असाइनमेंट वन पॉइंट सेवन फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड टी में डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम लेंथ एल ऑफ द पेंडुलम एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द प्लेस वेयर पेंडुलम इज सस्पेंडेड तो हमने एक एक्सप्रेशन दुन, ढूंढी है टाइम पीरियड टी के लिए जब उसने हमें बता दिया है कि वो डिपेंड करता है मास के ऊपर लेंथ के ऊपर और जी स्मॉल वैल्यू के ऊपर सोलूशन की तरफ हम जाते हैं बड़ा सिंपल सवाल है बच्चे इससे अक्सर डर जाते हैं तो बड़ा आसान है सपोज टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन एम एल एंड जी ये हमें गिवन है तो हम लोग कर लेते हैं टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय जी अब आप सोचें कि आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया लेंथ के ऊपर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो हो सकता है या जी के ऊपर या एम के ऊपर तो ये फर्स्ट स्टेप है हम सेकेंड स्टेप में उसको इंशाल्लाह कवर करते हैं अब हम क्या करते हैं एम एल और जी की पावर्स ले लेते हैं ए बी और सी ए बी और सी ठीक है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है यकीन है और नेगेटिव भी हो सकती हैं तो ये हम लोगों ने ले ली है एम की पावर ए एल की पावर बी जी की पावर सी अब इसको इक्वेशन बनाना है तो इसको खत्म करके इक्वालिटी लगाते हैं और कॉन्स्टेंट के लगा देते हैं वेयर कॉन्स्टेंट ठीक है तो ताकि एक इक्वेशन हमारी बन जाए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं इसको इन फॉर्म ऑफ डायमेंशन लिखते हैं डायमेंशन में लिखने से जो बड़ी आसानी से इक्वेशन सॉल्व होती हैं टाइम पीरियड ऑलरेडी टी है तो वो टी में ही गिवन है उसको ब्रैकेट में हम लोग टी लिख देंगे और पावर इसकी क्या है वन जब कोई चीज़ ना लिखी हो तो पावर होती है वन क्या दैट इज़ एम मास है तो मास भी डायमेंशन ही है ऑलरेडी है वरना के जी होता तो हम यहाँ पे एम लिख देते अभी क्योंकि ऑलरेडी मास है तो एम ही लिखेंगे और पावर ए एल लेंथ है ऑलरेडी मीटर्स वगैरह में लिखी होती तब भी हम क्या कर लेते कन्वर्ट करके एल लिख लेते क्योंकि डायमेंशन में लिखना है जी एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सरेशन है और एक्सरेशन किस में होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो मीटर क्या है डायमेंशन इसकी क्या है लेंथ और सेकंड किसकी डायमेंशन है टाइम की टी और पावर ऊपर क्या है माइनस टू ठीक है और बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा सी अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ कोई पावर है तो सी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से तो वैल्यू आ जाएगी एल रेस टू पावर सी और टी रेस पावर माइनस टू सी क्योंकि सी जाएगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा एल की पावर भी है सी और टी रेसवा माइनस टू की पावर भी सी है तो ये सी इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस टू सी हो गया और एल की पावर सी हो गया फर्दर सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में तो एल देखें इधर भी आ रहा है और एल इधर भी आ रहा है अब इन दोनों जब दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर एड हो जाती हैं एल रेस आर बी प्लस सी हो जाएगा तो सारों को एक बड़ी ब्रैकेट में कंबाइन करते हैं एम रेस्टू आर एल रेस आर बी प्लस सी और टी रेस्वा माइनस टू सी अब यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई इसको ऊपर ले जाते हैं और कंपेयर करते हैं पावर्स ऑन बोथ साइड्स सब सबसे पहले एम की पावर यहाँ पे ए है लेफ्ट साइड पे एम की कोई पावर है नहीं है यानी एम की पावर जीरो है ठीक है एम की कोई पावर नहीं है तो हम लोग लिख देते हैं ए इज इक्वल टू ज़ीरो उम्मीद है ये समझ आ रही होगी और सबसे पहले उसको करना है जिसकी सबसे कम वैल्यू है ठीक है अब इसके ऊपर देखें एक थी तो हमने एक ही ले ली अब देखें इसके ऊपर दो है इसको छोड़ देते हैं इसको देते हैं t की पावर है माइन माइनस टू सी यहाँ पर क्या है t की पावर ये वन है तो माइनस टू सी इज़ इक्वल टू वन ले लेंगे इससे c की वैल्यू निकल आ जाएगी माइनस वन बाई टू अब आते हैं इसकी तरफ l की पावर b प्लस सी यहाँ पर बी प्लस सी है और वहाँ पे l की पावर क्या है ज़ीरो तो b प्लस सी इज़ ईक्ल टू जीरो हो जाएगा और c की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं माइनस वन बाई टू तो b प्लस माइनस वन बाई टू जब b निकलेगा तो इज़ इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगा अब हम लोग जाते हैं पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में जो हम लोगों ने पिछले पेज पे ली थी टाइम पीरियड इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एम रेस्वायर ए मल्टीप्लाई बाय एल रेस्वायर बी मल्टीप्लाई बाई जी रेस्वायर सी ठीक है ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली हुई है जीरो तो एम ब्रेस्ट पवार जीरो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वन बाय टू तो एल रेस्वायर वन बाय टू और सी की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी माइनस वन बाय टू तो जी की पावर माइनस वन बाय टू एम रेस्ट पावर जीरो इज इक्वल टू वन हो जाता है ठीक है और इसको जब के मल्टीप्लाई वन तो सिर्फ के हो गया के मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर वन बाई टू जी रेस्टर माइनस वन बाय टू किसी चीज़ की पावर वन बाय टू हो इसका मतलब है वो स्क्वेयर रूट है ठीक है एल ए वन बाई टू का मतलब होता है स्क्वेयर रूट ऑफ एल ये क्या है जी रेस्टवार माइनस वन बाय टू इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाय जी रेस्टोर वन बाय टू या वन डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ जी क्योंकि जी की पावर क्या है वन बाई टू ठीक है जिस तरह एल की पावर वन बाय टू का मतलब है स्क्वेयर रूट ऑफ एल वन डिवाइडेड बाय जी की पावर वन बाई टू का मतलब वन डिवाइड बाय स्क्र रूट ऑफ जी तो इसको इसी तरह लिख देते हैं टी इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयेर रूट ऑफ एल और यहाँ पे वन डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ़ जी इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं दोनों स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट हैं टी इक्वल टू के इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एल ओवर जी और के चूंकि कॉन्स्टेंट है और जब हम लोग इस तरह करके सॉल्व करते हैं तो हमें के की वैल्यू ख़ुद तो नहीं पता लेकिन तजर्बात से ये बात मालूम है ऑलरेडी हमें कि वैल्यू ऑफ़ के जो साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया वो होती है टू पाई टू मल्टीप्लाई बाय थ्री पॉइंट वन फोर तो ये हम लोग इक्वेशन में अपनी डालेंगे तो टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू टू पाई स्क्वेयर रूट एल ओवर जी तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया और आपने सारी ज़िंदगी ये चीज़ याद रखनी है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर मैथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता मैं वीडियो के बीच में स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करता कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें क्योंकि इससे ना सिर्फ वो डिस्टर्ब होते हैं बल्कि अपना फोकस भी लूज़ कर जाते हैं अलबा वीडियो के आखिर में ज़रूर याद करा दूँ कि अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें ये आपके उस्ताद के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं खुश रहें और रे में रहें